हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यार, मैंने एक प्रॉमिस भी किया था कि आपको 12th में जो नया पैटर्न है पूरी तरह से गाइडेंस दूंगा, जिससे कि आप 100 में 100 फोड़ पाओ। ठीक है, तो टर्म वन आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड है और काफ़ी चीज़ें डिलीट भी हुई हैं। ठीक है, और आपके पास जो असाइनमेंट्स हैं किसी भी मतलब कोचिंग के या फिर कोई भी रेफरेंस बुक है तो आपको पता है यार, वहाँ पे तो सारी क्वेश्चंस होंगे। तो अभी आपको कैसे पढ़ाई करनी है मैं आपको बताता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर अपलोड कर दिया रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, अब आपको रिलेशन फंक्शन में, अब ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, मतलब जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं टिक करवाऊंगा हर चैप्टर का, तो वो आप ट्राई करेंगे। बाकी जो मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा नए पैटर्न पे वो आपको करना है। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको जो इंटरफेस मिलेगा, जैसे आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो इस तरीके से आपको यूट्यूब चैनल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास 12th पे जाओगे तो कोई किसी भी चैप्टर की अगर आपको एनसीईआरटी करनी है तो आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे इस चैप्टर का आपको मार्क्स बूस्टर जो है रिलेशनल फंक्शन का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है वो जरा देख लें कि जो मार्क्स बूस्टर डे वन है उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और मैं इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट भी टिक करवा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जो सो दैट वाले क्वेश्चंस हैं क्या वो आएंगे? देखो, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाऊं तो आप ये समझना है उस सो दैट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मत सोना सो दैट का क्वेश्चन है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड ठीक है करना है, थर्ड ठीक है करना है आपको, फोर्थ पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है वो आपका चांस जो है सिर्फ और सिर्फ 1% है, तो आप देख लो, अगर आपका टारगेट 100 में 100 का है तो कर लेना, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इनके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? वही जो मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी ना आपको अभी, उसमें एक मार्क्स बूस्टर भी है प्लेलिस्ट में, तो वो वहां पे आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लेना वहां पे सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 7 क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन ही नॉलेज वाले हैं, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये भी करना है आपको, ये करना है, और ये इसकी चांस अगेन 1% है, इस वाले क्वेश्चन पे 14 क्वेश्चन की चांस 1% है, बाकी करने सारे क्वेश्चन हैं लेकिन 14 क्वेश्चन की चांस 1% रहेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो ठीक है, ये भी करना है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि इस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में सीबीएसई ने दे रखा है, तो आपको ये करना है, बाकी ये भी करना है और ये भी करना ही है। करने तो सारी क्वेश्चन है डे वन के, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड है और इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा का पूरा कोर्स में है। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट जो है ना रिलेशन वाला पार्ट पूरा कोर्स में है, जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव करना होता है, ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स में, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आपकी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 पूरी तरह से डिलीट हो गई, यानी कि आपको अब इनवर्स वाले क्वेश्चन नहीं करने, इनवर्स फाइंड आउट करने वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो काफी कुछ डिलीट हुआ है, तो जो कोर्स में उसको तो आप अच्छे से करिए। ठीक है, अच्छा, इसकी फॉर्मूला बुकलेट जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चलो, अच्छा, डे टू पे आ जाओ, डे टू का ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, ठीक है, करने सारी हैं यहाँ पे भी, फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है, सिक्स क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस जो हैं कर लेना, लेकिन चांसेस जो हैं वही 2 to 5% ही इस क्वेश्चन के चांसेस आने के, सेम इसके साथ भी है 2 to 5%, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आप छोड़ देना, इसको ना करना, ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन लास्ट, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 9th क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे डे टू में, जिसमें आपको वन वन ऑन टू करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस मार्क्स बूस्टर में, तो ये सारे क्वेश्चन डे थ्री के जो है वो फॉग और गॉप पे बेस्ड है, इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं?
कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और कंपोजिट फंक्शन भी कोर से हटा दिया गया है, कंपोजिट फंक्शन भी कोर से हटा दिया गया है, तो भैया ये पूरा डिलीट कर दीजिए। ये उन्हीं बच्चों करना है जिनको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है वो कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में फिलहाल कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि यार चलो आप सारे क्वेश्चन ना करें, अगर आपको एक प्रैक्टिस करनी है तो पहला क्वेश्चन कर लेना बस, बस थोड़ा सा अगर जानना है फॉक क्या होता है कैसे निकलता है तो एक फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना बस, बाकी कोर्स में नहीं है। ठीक है, कोर्स में नहीं, सिमिलर यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट अब डिलीट है क्योंकि अब इनवर्स भी नहीं आएगा, काफी कम हो गया है सिलेबस में रिलेशन फंक्शन। डे फोर में बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, इसका मतलब ये भी पार्ट पूरा का पूरा डिलीट है, पूरा का पूरा डिलीट है। ठीक है, बस इतना था मार्क्स बूस्टर। अब आप बोलोगे सर इतना कम बचा, बिल्कुल, लेकिन जो बचा हुआ है उसको अच्छे से आपको करना है, क्योंकि जो डिलीट हो गया उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, जो बचा हुआ है उसको बहुत अच्छे से करना है, उसके हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ऑल टाइप्स। ठीक है, फोड़ ही दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी आप बताना आपको किस चैप्टर पे टिक करवाना है मार्क्स बूस्टर में, हालांकि मैं तो सारी करवाऊंगा फिर भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।